नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। जानेंगे खबर पूरे संथाल परगना से। खबर के लिए रुख करते सबसे पहले दुमका। राज्यपाल ने दुमका दुष्कर्म मामले में डीजीपी को राजभवन बुलाया, आरोपियों की गिरफ्तारी का दिया आदेश। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राज्य के प्रभारी पुलिस महानिदेशक एमबी राव को राजभवन बुलाकर राज्य की विधि व्यवस्था की जानकारी ली। इस क्रम में राज्यपाल ने राज्य में हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में इस प्रकार का भयमुक्त वातावरण हो कि सभी लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। उन्होंने दुमका में सामूहिक दुष्कर्म मामले में भी की गई कार्रवाई की जानकारी लेते हुए शीघ्र ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। देश विरोधी ताकतें कृषि कानूनों पर साजिश रचकर खड़ा कर रही है प्रोपोगेंडा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार सिंह ने सोमवार को दुमका भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश विरोधी ताकतें कृषि कानून पर साजिश के तहत प्रोपोगेंडा कर किसानों को भ्रमित करने में जुटी है। कहा कि केंद्र की सरकार किसानों से वार्ता के लिए तैयार है, जरूरत पड़ने पर कृषि कानून से संशोधन करने की भी मनसा जता चुकी है, लेकिन इसके बाद भी किसानों को बरगलाकर देश विरोधी शक्तियां अपना हित साधने में जुटी है। कहा कि केंद्र सरकार की मनसा है कि अड़ने की बजाय तो तरफा वार्ता होनी चाहिए। विशेष सत्र बुलाकर काले कानून को वापस ले केंद्र। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल को वापस लेने के लिए सोमवार को राजद व अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने समाहरणालय परिसर में धरना दिया और उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। धरना को संबोधित करते हुए राजद जिलाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए और कृषि बिल को अविलंब रद्द करे। अब खबर गोड्डा से। स्टॉक रजिस्टर में अनियमितता पर डीसी की फटकार। जिले के पथरगामा प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सोमवार की शाम को उपायुक्त भोर सिंह यादव ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां कोविड वैक्सीनेशन को लेकर कोल्ड चेन की व्यवस्था की जांच की गई। जांच के दौरान अस्पताल के स्टॉक रजिस्टर में अनियमितता पर डीसी ने चिकित्सा कर्मियों को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही रजिस्टर को अपडेट करने का सख्त निर्देश दिया। गोड्डा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। जिले के सुंदर पहाड़ी में हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि ऐसे घृणित कार्य करने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की खेत से लकड़ी चुनने गई थी, इस दौरान एक युवक ने मौका तार कर जबरन लड़की के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद से युवक फरार था। फिलहाल सुंदरपाड़ी पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बाबत एसडीपीओ एम सिंह ने कहा कि इस तरह की कुत्सित और गंदी मानसिकता वाले लोगों के साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के घृणित कार्य से बचे, क्योंकि ऐसे घटना को अंजाम देने वालों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली नहीं बने किसान। देश में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में और केंद्र के कृषि बिल के विरोध में सोमवार को जिला मुख्यालय सहित विभिन्न प्रखंड मुख्यालय में वाम दलों और से संयुक्त रूप से एक दिवसीय धरना किया गया। जिला मुख्यालय के सहित स्तंभ में झारखंड मजदूर किसान सभा के नेतृत्व में धरना दिया गया। खबर देवघर से। तीन कांग्रेसियों पर लग रहा नसबंदी कार्ड को मैनेज करने का आरोप। सारवा सीएससी में सारवा थाना क्षेत्र के मंजला डी राणा टोला निवासी अविवाहित नेत्रहीन हरी राणा का हाडोसिल का ऑपरेशन करने के साथ बिना इजाजत नसबंदी भी कर दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को उपायुक्त के निर्देश पर सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार व जसीडी के सीएसपी प्रभारी एके सिंह मामले की जांच करने सरवा सीएससी पहुंचे, लेकिन मामले की जांच कहां तक पहुंची यह कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। पुनः सोमवार को सीएससी प्रभारी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह शाम करीब 5 बजे स्थापना लिपिक सविता कुमारी सहिया दीदी चिंता देवी सहिया साथी चिंता देवी के व अस्पताल के कर्मी राकेश झा आदि के साथ मामले को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे। देवघर में अलग अलग जगहों से 13 साइबर अपराधी गिरफ्तार। एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा के निर्देश पर गठित छापेमारी टीम ने रविवार रात्रि जिले के सारट पथरड्डा पथरोल मधुपुर मार्गोमुंडा व जसीडी थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से छापेमारी कर कुल 13 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से 25 मोबाइल फोन, 38 सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड, 8 बैंक पासबुक, 2 चेक बुक, 1 लैपटॉप, 1 स्पाइन मशीन,
5 मोटरसाइकिल, एक चार पहिया वाहन सहित नगद 18,500 रुपया जब्त। बाइक सवार 3 युवकों को ट्रक ने रौंदा, एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। नगर थाना क्षेत्र के पुसारो ओवरब्रिज के समीप रविवार की रात करीब 12 बजे बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात ट्रक ने रौंद डाला। हादसे में गंभीर रूप से घायल दुधानी के 28 वर्षीय तारक कुमार दे की देवघर जाने के क्रम में मौत हो गई। वहीं ओम प्रकाश कृष्ण झा व मदन यादव का वर्तमान में इलाज चल रहा है। इन दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। खबर जामताड़ा से। रांची में जामताड़ा के 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। रांची पुलिस ने सोमवार को सदर थाना क्षेत्र और लालपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर जामताड़ा के 6 साइबर अपराधी रवि कुमार मंडल, कंचन मंडल, विष्णु मंडल, पंकज मंडल, सलीम अंसारी और अमित कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 फोन, 32 सिम कार्ड, स्पिंग डिवाइसेस, एक पेन ड्राइव, 2 कार, 7 ATM कार्ड और 5,000 रुपये बरामद किए। जामताड़ा में बनेगा एयरपोर्ट, खुलेगा ट्रेनिंग सेंटर। राज्य में पहला निजी एयरलाइंस स्थापित करने की दिशा में पहल शुरू की गई है। इसके तहत जामताड़ा में एयरपोर्ट बनेगा और ट्रेनिंग सेंटर भी खुलेगा। इसमें गरीब, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक युवक युवती हवाई जहाज उड़ा सकेंगे। इसको लेकर सोमवार को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के साथ कमर्शियल पायलट वेद बरुआ ने भी प्रोजेक्ट के बारे में बताया। की होता देख साइबर अपराधी ने किया सरेंडर। फरार साइबर अपराधी राजकुमार मंडल के घर सोमवार को कुर्की जब्ती करने के लिए पुलिस पहुंची। करीब 2 घंटे तक चली कुर्की की कार्रवाई के बाद राजकुमार मंडल ने नाटकीय अंदाज में पुलिस के सामने उसने सरेंडर कर दिया। पर अब पाकुड़ से। पाकुड़ में ट्रांजिट परमिट के बिना पश्चिम बंगाल जाने वाले कोयले से लदी मालगाड़ी जब्त। झारखंड के पाकुड़ में वन विभाग ने सोमवार शाम एक पूरी मालगाड़ी के जब्त कर लिया। झारखंड वनोपज नियमावली 2020 के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग 2000 मिलिट्री टन कोयला लेकर पश्चिम बंगाल जा रही मालगाड़ी को जब्त कर लिया गया है। पाकुड़ के रंजन अनिल सिंह सरकार के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट। पाकुड़ के रंजन अनिल कुमार सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। हालांकि अनिल सिंह के खिलाफ पूर्व में सरकार 3 बार कार्रवाई कर चुकी है, मगर उनके इस कदम से सरकार के समक्ष नई समस्या पैदा कर दी है। रेंजर ने बताया कि पाकुड़ में वन प्रमंडल पदाधिकारी की पदस्थापना नहीं होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए विशेष कैंप, SDO ने की बैठक। जामताड़ा जिला में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर SDO जामताड़ा संजय पांडे ने तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर सोमवार को जामताड़ा SDO ने सभी सुपरवाइजर के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी को विशेष कार्य योजना तैयार करने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।